इन प्रोडक्शन एनालिसिस अंडर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंस वी आर गोइंग टू स्टडी फिक्स्ड कॉस्ट जिस उसके नाम से जाहिर है मीन ये वो कॉस्ट हैं जो वंस फिक्स्ड हो गई लेकिन क्या ये तमाम कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस फिक्स्ड रहेंगी या देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के दैट दे मे बी चेंजिंग ओवर द टाइम और किसी भी इनपुट के बारे में जब उसकी हम कॉस्ट को इनकर करते हैं तो कौन सा डिसीजन पॉइंट है जहाँ पे हम कहें कि नाउ दैट इनपुट बिफोर इट वाज नॉट फिक्स्ड रादर इट वाज वेरिएबल और अब ये फिक्स्ड हो गया है जनरली द पेमेंट्स मेड इन द फॉर्म ऑफ सर्टन इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट परचेज ऑफ अ लैंड और लाइक दिस द बिग इन्वेस्टमेंट हम इनको मोस्टली फिक्स टाइप ऑफ द पेमेंट्स की शाम में दे लेकिन इसी तरीके से कुछ और एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसीजर हैं जिनके बारे में हम अगर जनरली कहें तो एक वेरी सिंपल एंड द नैरो डिसीजन इज दैट जब आप उसकी पेमेंट के बारे में अभी चेंज कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरिएबल बट दैट पॉइंट और दैट टर्मिनल इशू व्हेन वी विल से नाउ यू कैन नॉट चेंज द डिसीजन और अब आप उसकी पेमेंट के बारे में डिसीजन बदल नहीं सकते या आप उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में डिसीजन चेंज नहीं कर सकते उस वक़्त वो इनपुट और उससे रिलेटेड जो उसकी कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई अब मोस्टली लेबर को हम वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल में देख रहे होते हैं लेकिन अब अगर हम ये एग्जांपल रख यहाँ पे रखें कि अगर एक फर्म ने अ ग्रुप ऑफ पीपल या दो से तीन लोगों के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट कर लिया है कि हमने आपको हायर करना है फॉर अ सर्टन प्रोडक्शन प्रोसीजर और उनकी सर्विसेज के मुताबिक उनके साथ एग्रीमेंट करके उनका एक पर्टिकुलर सैलरी लेवल तय कर दिया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कर ली हैं एंड देन लेकिन अभी प्रोडक्शन प्रोसीजर शुरू नहीं हो रहा और वी हैव डिसाइडेड तो इट मींस नाउ दे हैव टू बी पेड एज पर द क्लॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट आइदर प्रोडक्शन प्रोसीजर हो रहा है या नहीं हो रहा तो अब वो लेबर जो है वो एज ए फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पे उसका उसमें एडअप होगा सो रिलेटेड टू सर्टन ऑस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन अगर हम देखें तो एक टाइम डोमेन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है सो फॉर शॉर्ट पीरियड अगर हम देखें अब अगर हम कहें कि वट वी मीन बाय द शॉर्ट तो आज तक किसी बुक में शॉर्ट पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन जनरली वी से एक पीरियड जिसके दौरान द एंटरप्रेन्योर और द प्रोड्यूसर को जो अपना प्रोडक्शन डिसीजन है वो वंस मेंटेन करना पड़ता है तो अगर हम कहें तो वो जब तक उसके प्लांट को चेंज नहीं कर रहा मशीनरी को चेंज नहीं कर रहा और सेम प्रोडक्शन फंक्शन को लेके चल रहा है तो वो उसका लॉन्गर पीरियड है लेकिन इन स्मॉल सेगमेंट्स में जो बाकी डिसीजन है वो उसका शॉर्ट पीरियड कहलाएगा सो इन दिस वे वी कैन से के कुछ ऑस्पेक्ट्स ऑफ द कॉस्ट ऐसे होंगे जो थ्रू आउट द टाइम पे वो उसको चेंज करता है या वेरी करता है और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो वो तमाम के तमाम चेंज होंगे तो इन द लॉन्ग रन आल टाइप्स ऑफ द कॉस्ट दे बिकम द वेरिएबल कॉस्ट बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ प्रोडक्शन और पर्टिकुलर टाइम डोमेन हमारे जितने इनपुट से रिलेटेड कॉस्ट हैं उनमें हम एक डिफ्रेंसीन कर लेते हैं कुछ को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और कुछ को हम फिक्स्ड कॉस्ट की फॉर्म में इंक्लूड करते हैं अब अगर हम देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट मोस्टली जिस तरह मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया एक दो मॉड्यूल्स में ये मोस्टली रिलेटेड टू कैपिटल हो सकती हैं बिकॉज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उसको पे बैक करना या उसको यूटिलाइज करने के साथ साथ उसको रिटर्न करना हमारे लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है सो so, लाइकवाइज अगर एक Uh, टेक्सटाइल ओनर ने या स्पिनिंग यूनिट के हेड ने एक मशीनरी या प्लांट जिसका ऑर्डर दे दिया और उसकी इम्पोर्ट का सेटअप कर दिया लेकिन अब उसको इम्पोर्ट होते होते किसी ड्यू टू अ सर्टन प्रॉब्लम वो तीन चार साल लग गए और जब तक वो पहुंचता है उस एंटरप्रेन्योर के पास वो इंस्टॉल करता है तो उसको लगता है कि ये मशीनरी पुरानी हो चुकी है उसके लिए यूज लेकिन इसके ऊपर जो कॉस्ट आ गई वो उसके एक बिजनेस प्रोसीजर का हिस्सा बन के वो उसकी, उसकी एज ए फिक्स्ड कॉस्ट उसको बियर करना ही करना है नाउ कमिंग टू दिस टेबल दैट वी हैव सीन मैनी टाइम तो वी कैन सी दैट देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके लिए हम अगर देखें तो हमने एक कॉस्ट ओवर द टाइम तय कर दी है दिस फिक्स्ड कॉस्ट इट विल एंटर इन आवर प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोसीजर बट इट विल नॉट चेंज एंड लाइकवाइज ऑल द अदर कॉस्ट दैट आर गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसीजर जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में हमारे सामने आ रही हूँ तो फॉर दोज इनपोर्ट्स जिसके लिए वंस वी हैव इनकट द कॉस्ट एंड वी हैव यूटिलाइज इन आवर प्रोडक्शन प्रोसीजर और नॉट मीन्स हमने लगाने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मशीनरी हो सकता है ऑब्सिलीट हो जाए और प्रोड्यूसर उसको हटा के कहीं साइड पे रख दे लेकिन उसकी कॉस्ट उसको मौजूद है तो इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चरल की फॉर्म में देखें तो अगर उसने एक एकड़ या दो एकड़ ज़मीन का रेंट पे कर दिया है और रेंट पे करने के बाद उसके ऊपर काश्तकार जो है वो फसल उगाता नहीं है तो जब वो प्रोडक्शन प्रोसीजर में नहीं जाएगा तो जो उसने उसका रेंट पे कर दिया है वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी लेकिन अगर वो उसके प्रोडक्शन प्रोसीजर में सीड फर्टिलाइज़र वाटर एंड द लेबर की बाकी वेरिएबल कॉस्ट ऐड करता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस वो फिक्स्ड कॉस्ट उसकी टोटल कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उस फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने का जो बेस्ट मोड है वो भी यही है कि प्रोडक्शन प्रोसीजर कंटिन्यू रहे प्रोडक्शन को जब भी सीज़ किया जाएगा रोका जाएगा तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो ख़त्म हो जाती है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उस वक्त भी मौजूद रहती थैंक यू